हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कॉमर्स की डेफिनेशन और इसके मेन पर्पस के बारे में बात की थी। आज की ये वीडियो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पर है। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैथमेटिकल रेडिशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, यानी द्विपक्षीय जो सिद्धांत है, उसका गणितीय मैथमेटिक के रूप में अभिव्यक्ति है, वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। अगर हम बात करें डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की, तो द्विपक्षीय सिद्धांत डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, वन हु सेक्रीफाइस द बेनिफिट एंड अदर वन हु गेन बेनिफिट। दोज एस्पेक्ट्स आर नोन एज डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो हमारे पक्ष होते हैं, इन्हें हम डेबिट और क्रेडिट के नाम से अकाउंटिंग में बोलते हैं। और द्विपक्षीय सिद्धांत में प्रत्येक जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, उस सभी के दो पक्ष होते हैं। एक को हम डेबिट बोलते हैं, दूसरे को क्रेडिट बोलते हैं। और जो हमें डबल एंट्री सिस्टम है, यानी जो दोहरा लेखा प्रणाली है, वो उसके आधार पर अगर हम बोलें तो द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू एज टोटल लाइबिलिटीज़। यानी हमारी बिजनेस में यूज़ हो रही जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, उन दोनों का जो टोटल ऑफ सम होता है वो इक्वल होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तरह से डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इज ओनली अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट पर पूरा का पूरा डिपेंड है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट शोइंग द इक्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी इंक्लूड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। यानी कि जो हमारी टोटल इक्विटी होती है वो हमारे एसेट्स के बराबर होती है। इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन असेट्स ऑफ बिजनेस एंड लाइबिलिटी। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये पूरी तरह से बैलेंस शीट पर बेस्ड है। तो बैलेंस शीट जो होती है वो हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और हमारी जो कैपिटल होती है उसके बारे में बताती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी सेम है, वो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बीच में रिलेशन दिखाता है। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी हमारा है, अगर उसकी बात करें तो द बैलेंस शीट इज़ ब्रोकन डाउन इंटू थ्री मेजर सेक्शन एंड देयर वेरियस अंडरलाइंग आइटम। दीज आर असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन एक होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इसे हम अपने साथ, अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज होगा, लाइबिलिटीज निकालनी है असेट्स माइनस कैपिटल होगा कैपिटल, और फिर इसी तरह से। और अगर इसको हम बोलना चाहें तो एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन है। अब इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल जो होते हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर अकाउंटिंग में अच्छा करना है तो उसके लिए उसका बेसिस समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।